एक बहुत पुरानी चुड़ैल एक कस्बे के पास बनी टूटी फूटी गुफा में छुप कर रह रही थी। एक हादसे में वो लोगों की मार से अपनी जान बचाकर भाग गई थी, इसलिए वो अब इंसानी लोगों की नजरों में नहीं पड़ना चाहती थी। ठंड हो या गर्मी या बरसात, वो तभी गुफा के बाहर निकलती जब उसे लगता कि इंसानी लोग उस समय अपने घरों में ही होंगे। उसी बीच वो गुफा से निकलकर अपने जरूरी काम कर लिया करती थी और फिर लोगों के बाहर निकलने से पहले वापस अपनी गुफा के अंदर ही छुप जाती। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था, पर जैसे ही ठंड आती उसकी एक मुसीबत बढ़ जाती थी, जो थी नहाने वाली। उसे ठंडे पानी से बहुत डर लगता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती उसका शरीर अकड़ता रहता और ऊपर से ठंडे पानी में नहाकर मानो उसकी बर्फ बन जाती। वैसे तो वो रोज सुबह 3 बजे उठकर पास के कुएं पर जाकर नहा लिया करती थी, और इससे पहले कि कोई इंसान वहां उसे देख ले वो झटपट नहाकर अपनी गुफा में आ जाती। पर क्योंकि अब सर्दियां आ गई थी तो उसके लिए मुसीबत आ गई थी। रोज की तरह आज भी 3 बजे सुबह चुड़ैल कुएं पर नहाने जाती है। अरे बाप रे, कितनी ठंड पड़ रही है, मेरा तो मन ही नहीं होता नहाने का। लगता है जैसे कश्मीर शिमला सब यहीं उठकर आ गया हो। भगवान जाने ये इंसानी लोग कैसे रोज नहा लेते हैं, वो भी इतनी ठंड में। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है रोज रोज नहाना। अब तो मेरा नहाने का मुहूर्त तभी निकलेगा जिस दिन धूप आएगी या फिर सीधा गर्मी आएगी तब। चुड़ैल नहाने के लिए कुएं के पास गई तो थी और उसने एक बाल्टी भर कर पानी भी निकाल लिया था, पर जैसे ही उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी में अपनी एक उंगली डुबोई उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आज फिर वो बिना नहाए ही वापस अपनी गुफा में आ गई और ठंड से कुरकुराती हुई वापस अपनी रजाई में घुसकर सो गई। धूप सर पर चढ़ाती है, दोपहर के 12 बज जाते हैं, तब चुड़ैल की नींद भूख से खुलती है। अरे वाह, ये ठंड के मौसम में सौंधी सौंधी धूप की किरणें, कितना अच्छा लग रहा है। काश की सुबह नहाने के वक्त भी धूप ऐसी ही रहा करे, पर ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सूरज तो अपने समय से ही निकलेगा और इस समय मैं बाहर जा नहीं सकती। ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है, चलो कुछ खा लेती हूँ पहले। फिर चुड़ैल कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत करती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। क्या करूँ, मैं तो बोर होने लगी हूँ, रोज के रोज पूरा दिन गुफा में घुसे रहो। अब तो जब रात होगी और लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे तभी मेरा बाहर जाना हो सकता है। इधर चिंटू की मम्मी चिंटू को एक घंटे से आवाज लगा रही थी। अरे चिंटू, कब से पानी गर्म हो रहा है, आके नहा ले अब तो, या पूरा हफ्ता ऐसे ही निकालना है बिना नहाए। भगवान जाने कौन से ऐसे कर्म किए थे मैंने जो ऐसी निकम्मी औलाद मिली मुझे। अरे मम्मी क्यों चीख रही हो, अभी 5 दिन ही तो हुए हैं बिना नहाए हुए। संडे तो नहीं आया ना वापस, नहा लूंगा मैं हफ्ता पूरा होने से पहले। इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में रजाई में घुसकर फोन चलाने लगता है। फिर रात को, चलो अब तो 11 बज ही गए हैं, वैसे भी ठंड में इतनी देर कौन बाहर रहेगा अपनी कुल्फी जमाने को, चल के अब थोड़ा बाहर का नजारा देखा जाए। भूख भी तो मिटानी है अपनी, वरना फिर कल पूरा दिन गुफा में रहना पड़ेगा और वही फल घास फूस खाकर गुजर बसर करना पड़ेगा। छुपती छुपाती लोगों की नजरों से चुड़ैल सुनसान सड़क पर शिकार का इंतजार करने लगती है। वो देखती है कि एक साइकिल पर कोई जा रहा होता है। सर काला खटिया जाड़ा लगे अजाने में बल मार प्यारा लगे। सर काला खटिया जाड़ा लगे। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ओहो खटिया सरकानी है, चल आजा सरकाते हैं खटिया दोनों साथ में, और कहकर वो साइकिल वाले के चीथड़े चीथड़े कर देती है और उसका सारा खून पी जाती है और उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। आह कुछ तो गर्माहट आई और पेट भी भर गया, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तुरंत चुड़ैल वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। फिर सुबह के 3 बजते हैं और चुड़ैल जैसे तैसे हिम्मत करके कुएं पर नहाने जाती है, पर ठंडे ठंडे पानी को छूते ही उसका इरादा फिर बदल जाता है और वो बिना नहाए फिर से वापस आ जाती है। इसी तरह 1 महीना निकल गया। अरे अरे इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं खाया कि मुझे एलर्जी हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी खुजली वाले इंसान को अपना शिकार बना लिया हो।
उसके खून की वजह से मुझे खुजली की एलर्जी हो गई हो। नहीं नहीं, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी, डॉक्टर पर जा नहीं सकती और दवाई मुझे पता नहीं है, क्या करूँ। हाय राम, खुजा खुजा के हालत खराब हुए जा रही है। एक महीना हो गया था चुड़ैल को बिना नहाए, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगी थी। पर चुड़ैल को अंदाजा ही नहीं था कि ना नहाने की वजह से उसके शरीर पर गंदगी से कीटाणु पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से उसे इतनी खुजली हो रही थी। इधर कुएं के पास वाले घर में ममता और लाला खाना खा रहे थे कि तभी ममता नाक सिकोड़ते हुए बोलती है, अरे क्या आपको भी ये गंध आ रही है या मुझे ही आ रही है सिर्फ? गंध? कैसी गंध? मुझे तो नहीं आ रही। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों आएगी, जो खुद ठंड का बहाना बनाकर हफ्तों न नहाए उसे तो वैसे भी आदत हो जाती है गंध की, तो तुम्हारी नाक को तो वैसे भी आदत रहती है सर्दी भर इस गंध की। बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाकर सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। और क्या ये रोज रोज नहाना नहाना लगा कर रखती हो? ये परफ्यूम डीओ हम जैसों के लिए ही कंपनी बनाती है, और ना बताओ इन्हें कोई क्यों खरीदेगा? बोलो बोलो, हम जैसे लोग ही इनको रोजगार देते हैं। देखा जाए तो जाके दुकान वाले से पूछना कि सर्दी में उसकी दुकान से कितने परफ्यूम और डीओ बिकते हैं। बड़ी आई नहाने का पाठ पढ़ाने वाली। नोकझोंक के बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। यहाँ रोज की तरह चुड़ैल अपना शिकार करने सड़क पर जाती है और जो बकरा फंसता उसका खून पीकर फिर कुएं पर नहाने जाती है। पर महीने भर ना नहाने की वजह से जहाँ जहाँ से वो गुजरती हर जगह बुरी बदबू फैली जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों की नींद खुलने लगती है। लगता है ये बदबू जरूर चिंटू के कमरे से ही आ रही है। वही है इस घर में मलिच्छी जिसे नहाने में तारे नजर आते हैं। अभी पूल पार्टी करने को बोल दो तो ठंड नहीं लगेगी। यहाँ बदबू की वजह से ममता भी परेशान होकर उठ जाती है आधी रात को ही, और सूंघ सूंघ कर देखने लगती है कि ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है। अरे ये सड़े चूहे जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? फिर वो लाला को सोता देखती है और तो उसे सूंघने लगती है। लगता है लाला जी में से ही बदबू रही होगी, यही तो नहीं नहाते हैं हफ्तों तक, जब कीड़े पड़ेंगे तब समझ आएगा उन्हें। मैं तो इस नरक में नहीं सो सकती। इधर चुड़ैल रोज की तरह कुएं से पानी निकालती है और उसे छूकर देखती है। अरे बाप रे, लगता है जैसे शरीर में करंट दौड़ गया हो, कितना बर्फीला पानी है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं नहा सकती इस बर्फीले पानी से, मैं ऐसे ही सही हूँ, अब तो जब गर्मी आएंगी तभी नहाऊंगी मैं। और वो फिर से बिना नहाए ही वापस आ जाती है। अरे मरी रे मरी, ओ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इस खुजली से कैसे छुटकारा पाऊँ, न ठीक से सो पाती हूँ न शिकार खा पाती हूँ, दोनों हाथ तो खुजाने में व्यस्त रहते हैं मेरे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। बेहाल परेशान चुड़ैल गुफा में ही लोटती पोटती रहती है कि तभी उसे कुएं के पास से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे अभी तो सूरज भी नहीं निकला, इतनी सुबह कौन आज कुएं पर आया होगा। इधर कुएं पर ममता पानी भरने आई होती है। कुछ भी हो जाए आज तो मैं लाला जी को नहला कर ही रहूंगी, नहीं तो अपने मायके चली जाऊंगी, इतनी दुर्गंध मैं नहीं सहन कर सकती। आज मैं पहले ही पानी गर्म करने वाली रॉड लगा दूंगी और उनके नहाने से पहले ही गर्म पानी वहां रख दूंगी, फिर देखती हूँ आज कैसे नहीं नहाते। पानी गर्म करने की रॉड, ये क्या होता है, लगता है इसका पति भी नहीं नहाता है रोज, तभी परेशान हो रही है ये, चल के देखूं तो ये भला किस यंत्र की बात कर रही थी। फिर चुड़ैल चुपके चुपके ममता के पीछे जाती है और ममता को पानी की बाल्टी में रॉड लगाते हुए देखती है। 15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है और ममता लाला जी को गर्म पानी से नहाने को कहती है। मेहरबानी होगी मुझ पे जो तुम नहा लो, आज पूरे कस्बे में दुर्गंध फैला रखी है, देखो अभी भी कितनी बदबू आ रही है। ममता को पता ही नहीं होता कि वो बदबू चुड़ैल की थी न कि लाला की। लाला गर्म पानी से नहा कर आता है बिना कोई नखरे किए हुए। तो ये बात है, क्यों ना मैं भी इस रॉड को आजमा के देखूं। अरे पर गुफा में तो बिजली ही नहीं है, पानी गर्म कैसे होगा। फिर चुड़ैल किसी तरह ममता के घर में ही उसी रॉड से पानी गर्म करती है और गर्म पानी की बाल्टी लेकर गुफा में आ जाती है, फिर गुफा के अंदर ही नहाती है। अरे वाह, आज तो सच में मजा आ गया, ये कैसा यंत्र है इंसानी लोगों के पास जिससे ठंड में भी नहाने पर गर्मी वाले मजे। आज महीनों बाद नहाकर कितना सुकून मिल रहा है। तभी चुड़ैल नोटिस करती है कि उसकी खुजली भी बंद हो गई है। लगता है ना नहाने की वजह से ही खुजली हो रही थी मुझे, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी।
अब चुड़ैल हर दो चार दिन में चुपके से किसी न किसी इंसानी घर से रॉड से पानी गर्म करके लाती और नहाती। अब वो ठंड में भी नहाने लगी थी।